हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल और संडे गेमिंग न्यूज में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेने से पहले कुछ अनाउंसमेंट है। एंड सबसे पहले तो थैंक यू, मेरी लास्ट वाली वीडियो पे आप लोगों का काफी सारा प्यार आया है। सीरियसली आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स देख के मेरा दिल भर आया। एंड जो मेन अनाउंसमेंट है वो ये कि जैसे कि मैंने आप लोगों से पोल में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि आप लोगों को क्या देखना ज्यादा पसंद है, तो आप लोगों ने ज्यादा क्लियरली कहा इस चैनल पे कि आप लोग गेम रिलेटेड स्टफ देखना चाहते हैं, तो हम आपको सिर्फ गेम रिलेटेड स्टफ ही देंगे इस चैनल पे। इसका मतलब ये कि अब से फ्यूचर में जो भी गेम प्ले आएंगे वो अब मेरे सेकंड चैनल पे आएंगे, जो कि है वाईफाई। आप लोगों को मालूम होगा कि वाईफाई चैनल था हमारा जिसपे हम गेम प्ले डाला करते थे, बट हमने बीच में बंद कर दिया था। बट लास्ट पोल से ये चीज क्लियर हो गई कि आप लोगों को सिर्फ गेम रिलेटेड स्टफ देखना पसंद है, तो हम इस चैनल पे सिर्फ वही चीज डालेंगे। एंड जो लोग भी जेन्युइनली मेरा गेम प्ले देखना चाहते हैं, प्लीज जाकर के मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। सो वाईफाई चैनल को रिवाइव करने का टाइम आ गया है। एंड अब हम शुरू कर लेते हैं हमारी गेमिंग न्यूज को। तो यहाँ पे सबसे पहले न्यूज आ रही है PUBG मोबाइल की तरफ से। तो PUBG मोबाइल में यहाँ पे काफी टाइम से PUBG जो है टीज कर रहा है कि जंगल एडवेंचर मोड आने वाला है, जो कि आपको आपके PUBG मोबाइल में देखने को मिलेगा। सो ये जंगल एडवेंचर मोड है क्या? बेसिकली ये एक सेना का एक्सक्लूसिव मोड होने वाला है। बेसिकली जैसे कि आपको मीरामार में सैंडस्टॉर्म मोड देखने को मिल रहा है, विकेंडी में आपको आर्टिक मोड ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, तो उसी तरीके से ये सेना का एक्सक्लूसिव जो है वो जंगल एडवेंचर मोड रहेगा। अब इसके अंदर होगा क्या, आपको कुछ जगह जो है जो आपका स्पॉन पॉइंट है उसमें कुछ नए नए स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल सकते हैं वहां पे, और बैलून वगैरह आपको देखने को मिलेंगे जहां से आप लूट वगैरह ले सकते हो। तो ऐसी कुछ छोटी मोटी चीजें जो है वो ऐड की गई हैं, और ये एक मेरे ख्याल से टाइम लिमिटेड मोड हो सकता है, अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, बट ये आपको देखने को मिल जाएगा कल के अपडेट में। एंड इसी से रिलेटेड एक और अपडेट ये है कि PUBG का 0.19 का अपडेट आने वाला है। फिलहाल उसकी बीटा टेस्टिंग चल रही है, एंड उसके अंदर जो है हमें काफी कमाल का मैप देखने को मिला जिसका नाम है 4X मैप। अब ये 4X मैप बेसिकली चारों मैप का कंबाइन समझ लो आप इसको, जो आपका इरेंगल, विकेंडी, सैनॉक और मीनामार है उसका पूरा कॉम्बिनेशन समझ लो, ये एक मैप में उसको ठूस दिया गया है। गेम प्ले के हिसाब से लगता है कि PUBG मोबाइल लाइट के लिए आ रहा है, बट मेरे ख्याल से टेक्सचर्स वगैरह शायद मिसिंग है इसके अंदर, इसीलिए काफी ही लाइट वर्जन लग रहा है उस मैप का। बट अगर आप इस मैप को देखो तो काफी इंटरेस्टिंग सा मैप लग रहा है। एक्सप्लोर करने को मजा आएगा कि किस तरीके से उन लोगों ने चीजों को एकदम कंबाइन किया है, लाइक मीरामार भी है इसके अंदर, सैनॉक भी है और इरेंगल भी है, तो काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। आप लोग इसका गेम प्ले वगैरह यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, आपको पूरा का पूरा गेम प्ले देखने को मिल जाएगा। मैप का साइज जो है काफी छोटा सा है, 2x2 के किलोमीटर में इन लोगों ने सारा कुछ ठूस दिया हुआ है। कोने में आपका विकेंडी है, एकदम एंड में आपका मीरामार है, तो मैप देख सकते हो ऑन स्क्रीन की किस तरीके से चारों मैप को कंबाइन किया गया है इसमें। और इसी के अंदर जो है 0.19 में कुछ और भी अपडेट्स हैं, लाइक इसके अंदर मॉन्स्टर ट्रक वगैरह देखने को मिल रहा है, जो कि काफी टाइम पहले हमें टीमी वर्जन में देखने को मिला था चाइनीज PUBG के अंदर। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको वाटरफॉल वगैरह भी देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर कुछ अंडरग्राउंड केव वगैरह भी है, पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ ठूस दिया हुआ है एक ही मैप के अंदर। और एक AI सिस्टम भी है जिससे कि अगर आप कोई प्लेयर वगैरह मारते हो तो अपने आप लिखा आता है कि एनिमी डाउन वगैरह। नॉर्मली ये इंस्पायर्ड है बाकी बैटल रॉयल गेम से, तो वो सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। 0.19 का अपडेट मेरे ख्याल से काफी मेजर अपडेट होगा अगर वो लोग ऑफिशियली ये रिलीज कर देते हैं। अभी फिलहाल तो टेस्टिंग वर्जन में, देखते हैं कि आगे क्या होता है इस अपडेट के साथ। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट गेम के बारे में, वो है फ्री फायर। तो फ्री फायर का एक ऑनलाइन टूर्नामेंट हो रहा है जो कि गरेना ऑर्गेनाइज कर रहा है, एंड हमारे इंडियन रीजन से जो है काफी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो ये पूरा का पूरा जो प्राइस पूल है वो तकरीबन $80,000 का है। एंड अगर आप फ्री फायर वगैरह देखते हो या खेलते हो तो आप लोग ये जो है टूर्नामेंट आप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। हमारे इंडिया से भी काफी प्रोफेशनल प्लेयर्स वगैरह जो हैं ये लोग खेलने वाले हैं, और इसकी कमेंट्री वगैरह भी हिंदी में होने वाली है, तो अगर आप चेकआउट करना चाहते हो चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद गाइज यहाँ पे नेक्स्ट गेम आ रहा है, वो है COD मोबाइल। तो नेक्स्ट COD मोबाइल के अंदर एक बहुत ही मस्त अपडेट आने वाला है जिसका नाम है गुलाग। एंड गुलाग जो है आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, गुलाग बेसिकली एक जगह का नाम है जो कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन है, जो PC में बैटल रॉयल मोड है उसके अंदर एक गुलाग ऐसी जगह है जहां पे मरने के बाद आप जाते हो, और अगर आप 1-on-1 फाइट में अगर जीतते हो तो आप गेम के अंदर वापस आते हो। तो बेसिकली वो एक रिस्पॉन एरिया है जहां पे आप मरते हो और उसके बाद वहां पे फाइट लेकर के अगर जीतते हो तो वापस आ सकते हो गेम में। तो COD मोबाइल के बैटल रॉयल मोड में ऑलरेडी बीकन्स वगैरह लगे हुए हैं प्लेयर को रिवाइव करने के लिए या फिर रिस्पॉन करवाने के लिए, तो वहां पे गुलाग की जरूरत नहीं है जहां पे वो जाकर के 1-on-1 मैच करे। तो बेसिकली ये गुलाग जो आएगा आपके COD मोबाइल में, ये बेसिकली एक छोटा सा मैप है जिसके अंदर आपकी 2v2 की फाइट होने वाली है। तो ये एक मल्टीप्लेयर मैप होने वाला है जिसमें आप फाइट करोगे बाकी प्लेयर्स के साथ, और ये मेरे ख्याल से टाइम लिमिटेड होगा, शायद वो टेस्ट वगैरह कर रहे हैं। लेकिन गुलाग का जो एरिया पूरा बनाया है ना, बहुत ही कमाल बनाया, आप वीडियो में देख ही सकते हो कि किस तरीके का बनाया है, और अभी फिलहाल ये जो है टेस्ट सर्वर्स पे है। उसके बाद गाइस यहां पे नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, वो आ रही है द गार्डन बिटवीन से।
पहले तो द गार्डन्स बिटवीन का मैंने गेम प्ले किया था काफी टाइम पहले, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जा करके देख सकते हो किस टाइप का गेम है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो है मोबाइल वर्जन आ गया है और ये एंड्रॉइड पे अभी ओपन बीटा में चला गया है। ओपन बीटा का मतलब है कि आप फ्री में जाकर के अगर आप पार्टिसिपेट करते हो इसका बीटा वर्जन में तो आपको फ्री में ये गेम अभी खेलने को मिल जाएगा, टेस्ट करने को मिल जाएगा। एंड ये iOS पे लास्ट ईयर रिलीज हो गया था, हमारे एंड्रॉइड के लिए अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है। आप देख सकते हो ऑन स्क्रीन कितना मस्त सा गेम है। बेसिकली ये टाइम बेंडिंग गेम है जिसमें आपके साथ टाइम को छेड़छाड़ करके जो है गेम खेलना होता है और थोड़ा सा पजल है इसके अंदर। काफी ही मस्त सा गेम है, काफी अच्छे ग्राफिक्स हैं। मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जाकर के इस गेम को एक बार ट्राई जरूर करना। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हुआ है। उसके बाद गाइस यहां पे नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है फोर्टनाइट की तरफ से। तो फोर्टनाइट ऑफिशियली तो मोबाइल पे ढंग से आया नहीं, बट फोर्टनाइट जो है सपोर्ट करने वाला है 90 FPS को, वो भी OnePlus 8 पे। तो OnePlus 8 का जो हार्डवेयर है वो काफी पावरफुल है एंड 865 का प्रोसेसर जो है काफी पावरफुल है फोर्टनाइट को चलाने के लिए। एंड उन लोगों ने OnePlus के साथ पार्टनरशिप करके जो है फोर्टनाइट को 90 FPS पे जो है प्ले करने का बताया है। अभी इस चीज की कंफर्मेशन नहीं है कि ये जो 90 FPS है ये सिर्फ एक्सक्लूसिव होने वाला है OnePlus 8 पे या फिर सेम सिमिलर वाले हार्डवेयर पे 90 FPS सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में न्यूज तो नहीं है फिलहाल। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो अगली न्यूज आ रही है हमारी, वो आ रही है ब्लैक डेजर्ट मोबाइल से। तो आप स्क्रीन इसका ट्रेलर देख सकते हो, काफी ही हाई एंड यू नो ग्राफिक्स वाला गेम लग रहा है, बट टॉप डाउन गेम है, आरपीजी स्टाइल गेमिंग है इसकी और ये गेम फ्री में है। मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो अगर आपको सही लग रहा है तो। तो गाइज ये हो गई हमारे मोबाइल गेमिंग न्यूज एंड अब हम बात करते हैं हमारे पीसी एंड कंसोल्स की। तो गाइज यहाँ पे सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है हमारे सोनी प्लेस्टेशन 5 को लेकर के। सो फाइनली यहाँ पे लॉन्च इवेंट जो है वो तय कर दिया गया है। तो जून 4 को जो है PS5 की पूरी रिवीलेशन होने वाली है, अनाउंस होने वाला है एंड फ्यूचर ऑफ गेमिंग के टैगलाइन से जो है यहाँ पे इनविटेशन दे दिया हुआ है ज्वाइन करने के लिए उनके इवेंट को। और फर्स्ट लुक आप उसके कंट्रोलर का देख सकते हैं ऑन स्क्रीन की किस तरीके का है, जो कि ऑलरेडी हम पहले भी देख चुके हैं। और अब तक का जो सबसे पावरफुल कंसोल मैं कह सकता हूँ कि वो रिवील होने वाला है। उसके साथ ही साथ जो है हमें काफी चीजें के बारे में पता चलेंगे कि कंसोल दिखता कैसे है, अभी तक हमें कुछ नहीं पता। हमें उसके हार्डवेयर के बारे में पता है कि किस तरीके का है, सारी डिटेल्स हमें पता चल गई है, तो वो सारी चीजें हमें पता है, बट हमें अभी तक का फर्स्ट लुक देखने को नहीं मिला है कि PS5 का डब्बा जो है वो कैसा होगा देखने के लिए। तो लोग उसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है एंड 4 तारीख को हमें वो भी देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे अनाउंसमेंट ये भी हुई है कि जब ये रिलीज होगा तो सारे रीजन में एक बार ही रिलीज होगा। और साथ ही साथ ये भी बताया कि इसका कॉस्ट जो है वो इफेक्ट नहीं करेगा पैंडेमिक को लेकर के, बिकॉज काफी चीजों की जो है प्राइस जो है वो हाई हो जाएगी, बट इन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के पैंडेमिक से सोनी प्लेस्टेशन 5 को जो है कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो इसकी प्राइसिंग जो होगी वो मेरे ख्याल से नॉर्मली रहेगी, हमारे इंडिया में मेरे ख्याल से प्लेस्टेशन 4 की जितनी ही वाली प्राइस रहने वाली है इसकी। वेल देखते हैं जैसे ही आएगा वो सब पता चल ही जाएगा हमें। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है GTA 6 को लेकर के। तो गाइज GTA 6 के बारे में भी रिसेंटली थोड़ी सी चर्चे उठे थे कि GTA 6 के यहाँ पे बजट वगैरह सारा कुछ आया था। तो बेसिकली वो बजट था क्या, बजट एक मार्केटिंग के लिए था जो कि थर्ड पार्टी के लिए कर रहे थे टेक टू वाले। अभी भी गेम जो है वो 2023 या 2024 से पहले रिलीज नहीं होने वाला है। और कुछ न्यूज और भी आ रही हैं कि उसमें कहा जा रहा है कि GTA Vice City का मैप जो है इंक्लूड किया जाएगा GTA 6 के अंदर। वेल ये देखने वाली बात होगी कि मैप इंक्लूड करते हैं या नहीं करते हैं, बट मेरे ख्याल से शायद कर ही देंगे, बिकॉज Vice City जो है काफी पुराना हो गया एंड उसके ऊपर जो है रिवर्क होना चाहिए, उसका कुछ रिमास्टर वर्जन समथिंग कुछ आना चाहिए अब तो। सो गाइस देखते हैं क्या होता है। एंड अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अगली न्यूज आ रही है फोर्टनाइट को लेकर के। तो फोर्टनाइट का चैप्टर 2 जो है यहाँ पे डिले हो गया है फिर से। अब ये लॉन्च डेट इन्होंने तय किया है जून 11 को। कहा जा रहा है कि तकरीबन 1000 लोग जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं अगले कंटेंट के लिए सीजन 3 के लिए, तो उनको थोड़ा और ज्यादा टाइम चाहिए चीजें फिक्स करने के लिए। और साथ ही साथ अभी थोड़ा सा टाइम बचा है, जिन लोगों ने बैटल पास अभी अपना कंप्लीट नहीं किया उन लोगों को भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा, तो इसीलिए जो है यहाँ पे डिले चल रहा है। उसके बाद गाइस यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज आ रही है, वो आ रही है मार्वल एवेंजर्स को लेकर के। तो मार्वल एवेंजर्स का एक नया ट्रेलर आया जिसमें वॉर टेबल के बारे में उन्होंने बताया। तो वॉर टेबल के टाइम पे बेसिकली होगा क्या कि नए गेम प्लेस वगैरह आपको दिखाए जाएंगे, कोऑप स्ट्रीमिंग वगैरह होगी और ये सारा कुछ अनाउंस होने वाला है जून 24 को। तो जून 24 को आप लोगों को काफी सारे नए फुटेज देखने को मिलने वाले हैं गेम के रिलेटेड एंड साथ ही साथ जो है इसकी स्ट्रीमिंग वगैरह भी होगी, तो आपको कोऑप गेम प्ले भी देखने को मिलेगा। और एक न्यूज और भी आ रही है इसके रिलेटेड, वो ये कि इस गेम के अंदर एक नया कैरेक्टर ऐड होने वाला है जिसका नाम है सीरीस या साइरिस, जैसा भी बोल लो आप उसको। तो ये कैरेक्टर जो है व्हीलचेयर कैरेक्टर है, एक डिसेबल्ड कैरेक्टर है, NPC कैरेक्टर है, आप इसको खेल नहीं सकते। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में हमने कभी नहीं सुना,
ना मूवीज में, ना गेम्स में, ना कॉमिक्स में। तो ये कैरेक्टर सिर्फ स्पेसिफिकली इस गेम के लिए डिजाइन किया गया है, इस गेम के लिए बनाया गया है, और ये एक डिसेबल्ड कैरेक्टर है। तो मेरे ख्याल से क्रिस्टल डायनेमिक्स जो है यहाँ पे ज्यादा वैरायटी को जो है इंक्लूड कर रहे हैं। एंड इसके पास अभी जो सुपर पावर्स है उसके बारे में पूरी तरीके से मालूम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से फोटो हमें दिख रही है उस हिसाब से लगता है कि शायद बॉडी अपनी ट्रांसफॉर्म कर सकती है या फिर कुछ स्कारलेट विच जैसा कुछ कर सकती है अगर इसके हैंड को देखा जाए तो। तो ये एक इनह्यूमन है एंड इनह्यूमन की पावर्स कुछ ऐसे ही होती हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज आ रही है कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 4 से। यस, कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 4 से न्यूज आ रही है। ऑलरेडी गेम को आए हुए काफी टाइम हो चुका है एंड उससे न्यूज ये आ रही है कि उसका एक कैंपेन जो है वो लीक हो गया है, एक कैंसिल्ड कैंपेन जो है वो लीक हुआ है। जैसे कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, ब्लैक ऑप्स 4 जो है वो टोटली मल्टीप्लेयर गेम है, बैटल रॉयल मोड वगैरह उसी में आया था एंड उसके अंदर जो है कोई कैंपेन मोड नहीं था, इसीलिए जब उसको बैकलैश मिला तो अब जाकर के कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर रिलीज किया है कैंपेन मोड वाला, तब जाके इतनी सक्सेस मिली है। वो गेम उतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, हालांकि बैटल रॉयल काफी हद तक रहा, बट स्टिल कैंपेन मोड ना होने की वजह से काफी लोगों ने उसे बॉयकॉट किया। यहाँ पे कैंपेन मोड का यहाँ पे लीक आई है, आप फुटेज ऑन स्क्रीन देख सकते हो कि एक फुटेज है जिसमें एक गेम प्ले दिखाया हुआ है और ये कैंपेन मोड का गेम प्ले है। जब ये गेम लॉन्च हो रहा था तब उन्होंने बताया था कि उनका कोई प्लान नहीं था कि वो कैंपेन मोड को ऐड करेंगे, उनका स्टार्टिंग से प्लान था कि ये ब्लैक ऑप्स 4 जो है पूरी तरीके से मल्टीप्लेयर रहने वाला है। सो ऐसा कुछ करके यहाँ पे पुरानी फुटेज जो है हमारे पास निकल के आ रही है, पहले प्रिंस ऑफ पर्शिया की आई और अब यहाँ पे हमारे पास ब्लैक ऑप्स 4 की कैंसिल्ड कैंपेन गेम प्ले की लीक आ रही है। उसके बाद गाइस यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज आ रही है फास्ट एंड फ्यूरियस की तरफ से। तो अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस फैन हो तो आपके लिए एक गेम आ रहा था फास्ट एंड फ्यूरियस क्रॉस रोड्स, जो कि PS3 के जमाने का लगता है, तो वो गेम यहाँ पे रिलीज होने वाला था बट अब ये डिले हो गया है अगस्त तक। इसका भी एक लेटेस्ट गेम प्ले ट्रेलर आया, आप ट्रेलर देख सकते हो, ऑन स्क्रीन आप देख भी रहे हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप पूरा ट्रेलर देख पाओगे कि किस तरीके है। तो काफी सारे एलिमेंट्स जो है उठा उठा करके डाले गए हैं, गेम के अंदर ठूसे गए हैं, बट स्टिल यार ग्राफिक्स के मामले में अभी भी काफी पीछे है। सो थोड़े बहुत चेंजेस की जरूरत है, अगर ये सही हो जाए तो सीरियसली गेम थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में और खेलने में भी, बट देखते हैं। 7 अगस्त की इसकी नई लॉन्च डेट है, अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप लोग जरूर चेकआउट करना इस गेम को। उसके बाद गाइज यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज आ रही है डेड बाय डेलाइट से। तो इसके अंदर एक क्रॉसओवर इवेंट होने वाला है साइलेंट हिल का, तो ऑन स्क्रीन आप इसके कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह देख सकते हो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो अगली न्यूज आ रही है यूबीसॉफ्ट की तरफ से। तो यूबीसॉफ्ट ने यहाँ पे रेनबो सिक्स सीज का जो है एशिया पैसिफिक लीग अनाउंसमेंट करी है, टूर्नामेंट है जिसके अंदर लोग पार्टिसिपेट करेंगे एंड खेलेंगे एंड जीतेंगे। उसमें बेसिकली उन्होंने अपना नया स्ट्रक्चर, अपडेटेड स्ट्रक्चर एंड रूल्स रेगुलेशन सारा कुछ उन्होंने बताया है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज वगैरह होगा, किस तरीके से लोग पार्टिसिपेट करेंगे, किस तरीके से लीग्स जो है वो क्लियर किए जाएंगे। इसके अंदर जो है हमारे इंडिया भी है, जो साउथ एशिया वाले रीजन में आती है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारे एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करने वाले हैं। अगर हमारे इंडिया से कोई टीम जो है जाती है देन उनको सपोर्ट करने में जरूर मजा आएगा, बिकॉज रेनबो सिक्स सीएच के फैन जो है हमारे इंडिया में काफी ज्यादा है मेरे ख्याल से। उसके बाद गाइस यहां पे नेक्स्ट न्यूज आ रही है डेट्रॉइट बिकम ह्यूमन से लेकर के। तो डेट्रॉइट बिकम ह्यूमन, बियॉन्ड टू सोल्स एंड हैवी रेन, ये तीनों के तीनों अब आने जा रहे हैं स्टीम पे। पहले ये सिर्फ एपिक गेम्स पे थी एंड PS4 एक्सक्लूसिव थी, बट अब जो है ये स्टीम पे आ रही है, तो स्टीम पे आप जाके परचेस कर सकते हो। जून 18 को जो है आपको ये गेम्स देखने को मिल जाएगी। उसके बाद गाइस यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज आ रही है, वो आ रही है एक्सबॉक्स सीरीज एक्स की तरफ से। तो कहा जा रहा है कि एक्सबॉक्स सीरीज एक्स की जो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी होगी उससे जो है तकरीबन 1000 से भी ज्यादा गेम्स जो है वो सीरीज एक्स पे लॉन्च होंगे। तो बेसिकली जो पुराने गेम्स हैं वो आप एक्सबॉक्स सीरीज एक्स के किसी भी कंसोल पे जो है वो खेल पाओगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज आ रही है रेजिडेंट ईविल 8 से। तो रेजिडेंट ईविल 8 की जो यहाँ पे एक लीक आई है, लीक में ये कहा जा रहा है कि ये गेम अगले साल 2021 के जनवरी मंथ में रिलीज हो जाएगा, बट क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है इसीलिए गेम डिले भी हो सकता है। बेसिकली ये लीक उनकी तरफ से आई है जो नॉर्मली रेजिडेंट ईविल के लीक्स जो है हमेशा लीक करते हैं एंड काफी एक्यूरेट लीक्स होते हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये गेम अगले साल के लिए रेडी है। बेसिकली अभी रिसेंट टाइम में इन्होंने काफी ही रीमेक्स वगैरह रिलीज किए हैं एंड काफी सक्सेसफुल रहे हैं वो रीमेक, बट अब रेजिडेंट ईविल सीरीज को जो है वो आगे बढ़ाने का टाइम आ गया है। तो रेजिडेंट ईविल 8 की यहाँ पे बातें चल रही है, उन्होंने कंफर्म तो कर दिया कि वो इस गेम पे काम कर रहे हैं, बट जनवरी से मार्च के बीच तक जो है कुछ ना कुछ हमें कैपकॉम की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट जरूर देखने को मिलेगी रेजिडेंट ईविल सीरीज के लिए। उसके बाद गाइस यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज आ रही है, वो आ रही है रॉयट गेम्स की तरफ से। तो रॉयट गेम्स का नया गेम जो वैलोरेंट है वो रिलीज होने वाला है 2 तारीख को, एंड उससे पहले रिलीज होने से पहले उन्होंने बताया कि उनका जो नेक्स्ट एजेंट है वो कैसा होने वाला है। तो आप देख सकते हो रियाना नाम है, आई थिंक रेना रियाना जो भी आप इसको बोल लो। तो ये इसका ट्रेलर आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो, ये एक नई एजेंट है वैलोरेंट के गेम के अंदर एंड ये आपको देखने को मिलेगी लॉन्च डेट पे। सो गाइस ये होगी गेमिंग न्यूज एंड अब हम बात कर लेते हैं फ्री गेम्स के बारे में, बिकॉज क्रैक गेम्स तो है नहीं, तो फ्री गेम्स के बारे में बता देता हूँ। यूबीसॉफ्ट का फायर क्राई 5 जो है वो इस वीकेंड फ्री है, यूप्ले पे आप जाकर के चेक कर सकते हो, पीसी पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। एंड
एपिक गेम्स पे बॉर्डरलैंड्स का हैंडसम कलेक्शन जो है वो फ्री हो गया है। तो बेसिकली इसके अंदर जो है बॉर्डरलैंड्स 2 एंड बॉर्डरलैंड्स का द प्री सीक्वल जो है वो आपको मिलेंगे। इसके अंदर दो गेम्स आपको मिलेंगे, तो ये भी जा करके ओन कर लो, एपिक स्टोर पे आपको देखने को मिल जाएगा ये, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे ही दी है। तो गाइज ये है गेमिंग न्यूज, पूरे हफ्ते का गेमिंग न्यूज मैंने दे दिया आप लोगों को। एंड आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बस मुझे अब ये बताना कि आप लोगों को गेमिंग कंटेंट से रिलेटेड क्या देखना है, तो आप लोग मुझे जरूर बताना। एंड मैं बता दूं हम लोग आ गए हैं इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे, तो वहां पे भी जाकर के फॉलो जरूर करो। सो गाइस दैट्स इट, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा गेमिंग न्यूज देखने में। हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि संडे टू संडे गेमिंग न्यूज लेकर आए, एंड ये अभी मेरा सेकंड संडे है जो मैं टाइम पे वीडियो डिलीवर कर रहा हूं, सो प्लीज उसके लिए लाइक जरूर करना बिकॉज उसी पे मैं टिका हुआ हूं। सो गाइस दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।